बेटा एक और चीज हाँ देखते हैं, एंड दैट इज हाउ द फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ट्राइड टू सॉल्व दीज इश्यूज। किस तरीके से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इन सारे मामला को सॉल्व करने की कोशिश की है, जरा देखते हैं। सो द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वॉज मोहम्मद अली जिना, एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वॉज लियाकत अली खान। और इसके बारे में सवाल किस तरीके से आ सकते हैं, हाउ सक्सेसफुल वॉज जिना एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, और द क्वेश्चन कुड बी पाकिस्तानी गवर्नमेंट वॉज वेरी सक्सेसफुल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस। डू यू अग्री और डिसएग्री, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो जहन में रखना जितने भी प्रॉब्लम्स हमने पढ़े हैं उसके आगे बस हमें अब सॉल्यूशंस लिखने होंगे, ठीक है, कि क्या क्या मसाइल थे जो कि पाकिस्तान फेस कर रहा था और क्या क्या सॉल्यूशन जिन्होंने उस जमाने में किए हैं। ओके, सो द फर्स्ट चैलेंज वॉज फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। फॉर्मिंग द गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि सबसे पहला इशू ये था कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट मौजूद नहीं है और गवर्नमेंट को किस तरीके से बनाया जाए। सो जिना हिमसेल्फ बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, एंड लियाकत अली खान बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और इन लोगों ने मिलकर अपनी टीम बनाई, अपनी कैबिनेट बनाई। अपनी जो कैबिनेट बनाई है जिना ने और लियाकत अली खान ने, इट कंसिस्टेड ऑफ 8 मिनिस्टर्स। शुरू में 8 मिनिस्टर्स थे और 8 के बाद बढ़ा के उसे 12 मिनिस्टर्स कर दिया गया था। एंड ऑल दीज मिनिस्टर्स गेव देयर पावर्स वॉलंटरिली टू जिना, और इन सारे के सारे मिनिस्टर्स ने जिना को अपनी वॉलंटरिली सारी पावर्स दे दी। इन सब ने जिना से कहा कि आप जो चाहें, जिस तरीके से चाहे मुल्क को चलाना आप चला सकते हैं, वी आर वॉलंटरिली गिविंग ऑल द पावर्स टू यू। तो जिना बिकेम दी मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द न्यू कंट्री। ऑब्वियसली ही वॉज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ऑब्वियसली ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, एंड नाउ ही कुड कंट्रोल ऑल द मिनिस्ट्रीज। साथ ही साथ जिना ने एक बड़ा काम ये किया, दैट ही इनिशिएटेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। नाउ व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इट मीन्स द असेंबली दैट वुड मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कानून बनाया जाएगा। अब देखो पाकिस्तान का कानून बनाना क्यों जरूरी है, वी जस्ट स्टडीड दैट पाकिस्तान एट दिस टाइम वॉज यूजिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। और हमें मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक ऐसा कानून था जिसके मुताबिक वी वुड स्टिल ओबे द ब्रिटिश किंग एंड क्वीन। इफ पाकिस्तान रियली वॉन्टेड इंडिपेंडेंस, अगर पाकिस्तान को वाकई में इंडिपेंडेंस चाहिए था तो पाकिस्तान को आजादी सही मायनों में उसी वक्त मिलेगी अगर पाकिस्तान अपना कानून बना लेगा। तो दिस वॉज द चैलेंज फेस्ड बाय द न्यू कंट्री एट दैट टाइम। बट द प्रॉब्लम इज दैट आर गवर्नमेंट वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल इन मेकिंग द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जिना की जिंदगी सिर्फ 13 महीने की थी और जिना अपनी जिंदगी में कानून को नहीं बना सके। इसलिए नहीं बना सके क्योंकि जिना फर्स्ट जिना 11th of September 1948 को उनकी डेथ हो गई। इट टुक पाकिस्तान 9 ईयर्स टू मेक द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, एंड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन केम इन 1956। अब इससे अंदाजा लगाओ कि पाकिस्तान को नया कानून बनाते बनाते इतनी देर हो गई कि पहला कानून हमारा 1956 में बना है। ना अदर देन दैट, हमने अभी भी पढ़ा कि उस जमाने में एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े प्रॉब्लम्स थे। तो एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम्स को इस तरीके से सॉल्व किया गया कि सबसे पहले तो कराची को बना दिया गया एज द कैपिटल ऑफ द कंट्री। अच्छा, कराची मेरी नजर में एक नेचुरल कैपिटल बनता है। नेचुरल कैपिटल इस तरीके से बनता है क्योंकि अगर आप देखो कि कराची में हर कौमियत के लोग रहते हैं, हर एथनिसिटी के लोग रहते हैं, तो इस वजह से कराची को अगर हम कैपिटल बना दें तो कैपिटल बनाना एक सही चॉइस थी। आई एग्री कि जिन्ना ने एक बहुत अच्छा कैपिटल बना दिया था, लेकिन यहाँ पर कुछ मसाइल हो सकते थे। मसाइल क्या हो सकते थे कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज मौजूद थी, यहाँ पर डेवलप पोर्ट भी मौजूद था, इतनी सारी कमर्शियल एक्टिविटीज की वजह से जो पॉलिटिशियंस हैं उनके काम में कोई ना कोई हिंड्रेंसेस आ सकते हैं। तो लेटर ऑन इन 1960 द कैपिटल वॉज शिफ्टेड, और इसे शिफ्ट कर लिया गया था टूवर्ड्स इस्लामाबाद क्योंकि इट वॉज अवे फ्रॉम द कमर्शियल एक्टिविटीज, इट वॉज मोर सिक्योर रीजन, इट वॉज परसीव टू बी मोर सिक्योर रीजन, इट वॉज अ प्लान सिटी। इस वजह से इसे शिफ्ट कर लिया गया था बिकॉज कराची वॉज ग्रोइंग हैपहैज़र्डली, कराची वॉज ग्रोइंग इन एवरी डायरेक्शन, इन एनी रैंडम डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द इनकमिंग ऑफ रेफ्यूजीज एज वेल। जिस तरीके से लोग माइग्रेट करके यहाँ पे आ रहे थे तो कराची की ग्रोथ बढ़ती जा रही थी और बहुत ही अजीब तरीके से फैलता जा रहा था कराची। अभी भी आप मैप उठा के देखें आपको नजर आएगा कि बहुत अजीब और गरीब किस्म का नक्शा हमारा बनता जा रहा है। एंड देन बिकॉज देर वॉज लैक ऑफ ऑफिस एट दैट टाइम, तो जिना ऑल्सो स्टैब्लिश सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सो दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वुड बी एबल टू वर्क इन दिस बिल्डिंग। ही ऑल्सो सेटअप द सिविल सर्विसेज इन पाकिस्तान। हमारे पास सिविल सर्विसेज नहीं थी तो जिन्होंने सिविल सर्विसेज को भी अपॉइंट किया। अच्छा, सिविल सर्विसेज के अंदर उस जमाने में क्योंकि हमारे पास काफी लो रैंक ऑफिसर्स थे, तो जिन्ना ने किसे अपॉइंट किया? जिन्ना अपॉइंटेड द ब्रिटिश ऑफिसर्स फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, ताकि हमारे सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग भी मिल सके। उस जमाने में इतने सारे लोग माइग्रेशन कर रहे थे, उस जमाने में इतने सारे लोग रेफ्यूजीज बनते जा रहे थे, तो जिन्ना ने क्या किया? जिन्ना ने खुद ही से कोशिश की कि जिन्ना डोनेशंस कलेक्ट करेंगे।
जिन्हें ट्रेवल ऑल अक्रॉस पाकिस्तान जहां जहां हो सकता था जिन्हें ट्रेवल करके जाते थे और वहां पे खुद से लोगों से अपील करते थे कि लोग डोनेशंस प्रोवाइड करें सो दैट ही वुड बी एबल टू सेट अप द कैंप्स फॉर द रेफ्यूजीज। तो जिन्होंने इसी तरीके से रिलीफ फंड भी बनाया था और रेफ्यूजी कैंप्स भी बनाए थे वेयर द रेफ्यूजीज वर बींग रिहेबिलिटेटेड। मोर ओवर बिकॉज देर वॉज कम्यूनल वायलेंस इन द कंट्री। कम्यूनल वायलेंस का मतलब क्या है कि लोग एक दूसरे को रिलीजन के नाम पे कत्ल कर रहे थे। बहुत सारी माइनॉरिटीज हिंदूज और लो कास्ट हिंदूज पाकिस्तान में रहा करते थे तो वो भी अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर रहे थे पाकिस्तान में। तो जिन्होंने अपने आप को क्या कहा, जिन्होंने कहा आई एम नॉट योर गवर्नर जनरल रादर आई एम द प्रोटेक्टर जनरल ऑफ माइनॉरिटीज। जिन्होंने क्या कहा, जिन्होंने अपने अल्फाज से उन्हें कंसोल करने की कोशिश की, जिन्होंने कहा कि आप लोग घबराए नहीं, आप लोग पाकिस्तान में रहें, जितनी भी माइनॉरिटीज हैं मैं माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करूंगा। एंड जिन्होंने सिर्फ ये बात हवाओं में नहीं की है कि मैं माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करूंगा, जिन्होंने ये काम करके भी दिखाया और जिन्होंने काम किस तरीके से करके दिखाया कि जिन्होंने हमेशा से राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज की बात की। इवन इन हिज 14 पॉइंट ही यूज्ड टू टॉक अबाउट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। ना सिर्फ ये बल्कि 15 सीट्स को आउट ऑफ 68 असेंबली के अंदर रिजर्व भी किया गया, यानी कि माइनॉरिटीज को शामिल किया गया टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे देयर वर 68 मेंबर्स हु वर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आउट ऑफ देम 15 वर द नॉन मुस्लिम्स, ताकि उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू शामिल हो जाए कि किस तरीके से मुल्क का कानून बनाया बनाना चाहिए। नॉट ओनली दिस ही आल्सो एडेड टू नॉन मुस्लिम्स इन द मिनिस्ट्रीज। वन ऑफ दोस वाज द लो कास्ट हिंदू, एक लो कास्ट हिंदू को और एक अहमदी को यानी कादियानी को भी जिन्होंने अपनी कैबिनेट का हिस्सा बनाया, अपनी मिनिस्ट्री का हिस्सा बनाया। अब उस जमाने में क्योंकि रीजनलिज्म और प्रोविंशियलिज्म बहुत ज्यादा था तो जिन्होंने कहा लोगों को कि ना आज से ना कोई सिंधी होना चाहिए, ना कोई पंजाबी होना चाहिए, ना कोई बलोची होना चाहिए, सबको पाकिस्तानी होना चाहिए और रीजनलिज्म की जगह प्रोविंशियलिज्म की जगह देयर शुड बी मोर नेशनलिज्म इन द कंट्री। नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए जिन्ना ट्राइड हिज बेस्ट कि जिन्होंने उर्दू जबान को नेशनल लैंग्वेज बना दिया। और नेशनल लैंग्वेज बनाने का रीजन ही ये था कि एक ऐसी न्यूट्रल लैंग्वेज होगी जो कि सबके लिए बोलने में भी आसान होगी और सबको यूनाइट भी कर देगी और सबको रिप्रेजेंट भी करेगी एज वन। लेकिन जिन्ना की ये पॉलिसी बैकफायर कर गई बिकॉज द बंगालीज फेल्ट डिप्राइव्ड कि बंगालियों की लैंग्वेज को, बंगाली जबान को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया। मोर ओवर एट दिस टाइम क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहा था, वन थिंग दैट जिना कुड डू वॉज जिना ट्राइड टू परसुएड द इंडियन गवर्नमेंट के पाकिस्तान को पैसे मिल जाएं और पाकिस्तान को इंस्टॉलमेंट्स के फॉर्म में कुछ पैसा मिल गया और कुछ पैसा तब भी नहीं मिल सका। अदर देन दैट जिना वॉज द वन हु एस्टैब्लिश द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जाहिर सी बात है फॉरन तो नहीं बन जाएगा सब कुछ, तो इसकी फाउंडेशन सेट कर दी गई थी और उसके बाद ये बनना शुरू हुआ। एंड इनिशियली बिकॉज देर वर नो इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज में पैसा लगा नहीं सकती थी, सो दे प्रोमोटेड द प्राइवेट सेक्टर। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया। एंड अदर देन दैट देर इन पाकिस्तान देर वर लो रैंक मिलिट्री ऑफिसर्स और जिन्हें ट्रेन करने के लिए ब्रिटिश को अपॉइंट किया गया था। एंड वी जस्ट स्टडीड के द कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी एट दैट टाइम वॉज जनरल डोगलस ग्रेसी। ही वॉज अ ब्रिटिश पर्सन एंड दिस ब्रिटिश पर्सन रिफ्यूज टू फाइट ऑन द ऑर्डर्स ऑफ जिना, जिसकी वजह से हम कश्मीर को हासिल नहीं कर सके। तो जहां हम ट्रेन भी कर रहे हैं, एक्सपेंस भी बेयर कर रहे हैं, वहां पे एक नुकसान भी हमें हो रहा है। वो नुकसान ये है कि ये लोग इतने लॉयल नहीं थे। नाउ जिना ऑल्सो सिक्योर्ड द मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप सिक्योर करना जरूरी था और जरूरी इसलिए था क्योंकि हमें रिकग्निशन मिलेगी। अगर हम किसी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं उसका फायदा ये होता है कि पूरी दुनिया हमें रिकग्नाइज करती है और हमारे इश्यूज को सॉल्व भी करेगी। पाकिस्तान गरीब मुल्क था, पाकिस्तान में इलिटरेसी रेट हाई था, पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज्यादा थी, पाकिस्तान में कुछ अरसे के बाद कैनाल वाटर डिस्प्यूट हो गया, पाकिस्तान में कश्मीर डिस्प्यूट हो गया। तो अगर पाकिस्तान ये पार्ट नहीं बनता यूनाइटेड नेशंस को, तो पाकिस्तान इतने सारे मसाइल को ना डिस्कस कर सकता था ना ही सॉल्व कर सकता था। तो इसका पार्ट बनना बहुत जरूरी था। थैंक्स टू जिना वी बिकेम द पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अनफॉर्चुनेटली उस जमाने में अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क था जो जिना के साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात सही रखने के मूड में नहीं था और अफगानिस्तान एक इशू लेकर आ गया, दैट इज द इशू ऑफ पख्तूनिस्तान। पख्तूनिस्तान का इशू ये था कि अफगानिस्तान ने क्लेम करना शुरू कर दिया कि ये जो ट्राइबल एरियाज हैं दीज ट्राइबल एरियाज शुड बी गिवन बैक टू अफगानिस्तान, क्योंकि ये अंग्रेजों के आने से पहले अफगानिस्तान का हिस्सा थे लेकिन अंग्रेजों ने इसे फोर्सफुली टेक ओवर कर लिया था और टेक ओवर करने के बाद पाकिस्तान को हैंड ओवर कर दिया। तो अफगान गवर्नमेंट वॉज अगेंस्ट इट कि पाकिस्तान को ये इलाका नहीं मिलना चाहिए। जिना ट्राइड टू नेगोशिएट विद देम बट अफगान गवर्नमेंट वॉज टोटली अगेंस्ट इट।
एंड दे इवन वेंट ऑन टू वोट अगेंस्ट पाकिस्तान इन द यूनाइटेड नेशंस। पाकिस्तान ने जब मेंबरशिप हासिल करने की कोशिश की थी तो अफगान गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के अगेंस्ट वोट किया था। फाइनली यू वुड राइट द इवेल्युएशन कि आपकी नज़र में क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट कामयाब हुई ये सारे मसाइल को सॉल्व करने में या कामयाब नहीं हो सकी।